गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो अगर आप भी ये मेकअप लुक डिटेल में सीखना चाहते हैं, आप डन अ वेरी नाइस ड्रामेटिक कट क्रीज आई एंड अ फुल कवरेज फेस, डिटेल में ये लुक सीखना चाहते हैं और मेरी चटपटी बातें सुनना चाहते हैं, तो ये पूरा ट्यूटोरियल देख लीजिएगा आप। नथिंग इज स्पॉन्सर्ड, मैंने सारे वही प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जो मुझे जेन्युइनली पसंद है, नथिंग एट ऑल इज स्पॉन्सर्ड। बस मेरा दिल था कि मैं आप लोग को आऊँ एंड कुछ ड्रामेटिक सा लुक सिखाऊं। मैं पहले ऐसे टॉकिंग वीडियोस बहुत करती थी, तो आज मेरा दिल था कि मैं आप लोग को हर चीज सिखाऊं। सो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू क्रिएट दिस गॉर्जियस लुक, नो फिल्टर, नथिंग एट ऑल, मैं ऑल पास आ जाती हूँ। कोई भी फिल्टर नहीं है इस ट्यूटोरियल में, मैंने कुछ भी कट नहीं किया है, कुछ भी एडिट नहीं किया है। सो इफ यू वांट टू लर्न दिस लुक, देन कंटिन्यू वॉचिंग द एंटायर ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले मैं ले रही हूँ टू फेस्ड का कंसीलर इन द शेड स्वान। माई नंबर वन मोस्ट फेवरेट कंसीलर की लिस्ट में आता है टू फेस्ड कंसीलर, बहुत ही प्यारा है। हर साल इसके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आई यूज्ड टू बाय इट, इट यूज्ड टू बी 1700 रुपीज, अब और बढ़ गया है, अब 2000 कुछ हो गया है, बट इट्स वर्थ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ही प्यारा कंसीलर, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, हर स्किन टाइप पे चल जाता है। आई एब्सोल्युटली लव दिस कंसीलर। सो पूरे लिप्स पे लगाएंगे, आई थिंक बाय नाउ सबको पता है कि ये क्यों करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करूंगी इस ट्यूटोरियल पे। सो कंसीलर लिप्स पे इसलिए लगाते हैं ताकि आपके आई शेडोज पॉप करें, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, एंड जो भी आपकी आई लिप्स पे पिगमेंटेशन है, वेन्स है, डिस्कलरेशन है, वो सब छुप जाए। तो मैंने अभी कंसीलर लगाया है जो कि मेरी स्किन टोन से एक से दो शेड लाइटर है। आप चाहे तो एक से दो शेड लाइटर लगा सकते हैं, वरना अगर आप चाहे तो अपनी स्किन टोन से मैचिंग लगा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन है आईलिड्स पे, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, सो अपनी स्किन टोन से मैचिंग लगाइएगा, या इवन एक शेड डार्कर भी चल जाएगा टू हाइड दैट पिगमेंटेशन, टू हाइड दैट डिस्कलरेशन। इसको अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडर मुझे एक ही बहुत पसंद है, ये है क्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कैप्शन में डाल दूंगी। एंड ब्रशेज मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी लिशेस के, बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी अच्छे ब्रशेज होते हैं। So once again I'll repeat, nothing in this video is sponsored, कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट कौन से हैं मुझे जेन्युइनली पसंद है। करेंगे अक्सर एक गलती लोग करते हैं, कंसीलर लगा दिया, उसको पैक 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 करके इतना ब्लेंड किया, इतना ब्लेंड किया कि वो गायब हो गया। हमें गायब नहीं करना है, जैसे ही वो स्मूथ हो जाए आप स्टॉप कर दीजिए। अब मैं फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ इन द शेड वेनिला एंड फर्स्ट ट्रांजिशन ब्रश, एंड जल्दी से इसको सेट कर देंगे। कंसीलर को हमें सेट करना है ताकि क्रीसेस ना पड़े, कंसीलर अपनी जगह से हिले ना बिल्कुल भी, एंड पूरी रात हमारा मेकअप टिका रहे, पूरी रात या पूरा दिन मेकअप हमारा सच से मस्त ना। मैं ले रही हूँ पैक का टेक कवर आई शैडो बुक। आई शैडो बुक की इसमें क्या रहता है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, सो इसमें से मैं एक लाइट पीच कलर उठा रही हूँ सबसे पहले, दैट इज गोइंग टू वर्क एज आवर फर्स्ट कलर। लाइट पीच कलर को उठा के आउटर कॉर्नर पे भी लाऊंगी, अगेन उठाऊंगी पीच कलर, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बिल्ड करिए। अचानक से बहुत सारे कलर उठाने, धीरे धीरे इंटेंसिटी बिल्ड करिए, दूसरे आई में भी नहीं करता। तो लाइट पीच कलर मैंने दोनों आंखों पे लगा लिया है। उसके बाद ले रही हूँ सपैरल का स्पेक्ट्रम वॉल्यूम 1 पैलेट, बहुत ही प्यारा पैलेट है, इससे ज्यादा हसीन पैलेट मैंने नहीं देखा है, एब्सोल्युटली लव इट।
लव द कलर्स, तो मैं ले रही हूँ फ्लोरल कलर, फ्लोरल, या इट्स कॉल्ड फ्लोरल, जो कि एक डार्क बर्गंडीश सॉर्ट ऑफ कलर है, डार्क बर्गंडी कलर ले रही हूँ उस सेम ब्रश से, एंड थोड़ा सा नीचे लगाऊंगी, क्रीज को और इंटेंसिफाई करूंगी. आज मैं बहुत ही तड़कता भड़कता मेकअप करने वाली हूँ, बिल्कुल ड्रामेटिक. कई दिनों से आई वाज जस्ट डूइंग न्यूड ग्लैम, इवन दो आई लव न्यूड ग्लैम, मुझे तो वही पसंद है, लेकिन आप लोग बोर हो जाते हैं देख देख के, कमेंट्स देखिए मैम रोज सेम मेकअप, तो ये लो आ गई मैम तड़कता भड़कता मेकअप लेके, बहुत ही ड्रामेटिक मेकअप करने वाली हूँ मैम. एंड एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको हर चीज़ करना आना चाहिए, योर स्पेशलिटी कुड बी एनी थिंग, लेकिन एज अ मेकअप आर्टिस्ट इन माई ओपिनियन आपको हर किस्म का मेकअप करना आना चाहिए. रोमांटिक मेकअप, फुल कट क्रीसेस, न्यूड मेकअप, ये नहीं कि आप सिर्फ न्यूड मेकअप ही करते जा रहे हैं, यू शुड नो हाउ टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप. आई सी अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट जो हैच हो, क्या कहना. अब मैं एक डार्क ब्राउन आई शैडो लूंगी फ्रॉम द सेम पैलेट, द शेड इज आइकॉनिक. इसी मेरा ये मानना है, आई बिलीव अ लॉट इन किस्मत एंड फेट एंड नसीब एंड ऑल. आप लोग बिलीव करते हैं कि नहीं? आई बिलीव अ लॉट इन किस्मत. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उस किस्म का उनको ब्रेक नहीं मिला है. एंड देन देयर आर सम जो इतनी टैलेंटेड नहीं है, मे बी इतना अच्छा मेकअप नहीं करते हैं, whatever, but the naseeb is great. Naseeb बहुत अच्छा है, तो इसलिए कहते हैं कि दुआ मांगा करो, जिसको भी मानते हो, जिसको भी मानते हो दुआ मांगो उससे. बस दुआ plays a very important role. Hard work, of course, hard work does. लेकिन अच्छा इंसान भी होना चाहिए. आई थिंक अच्छे इंसानों के साथ ही अच्छी चीज़ें होती हैं. पूरा इंसान चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, मैं कौन सी मदर टेरेसा है. सो मैंने सारी पिंक शेड्स लगाई थी एंड मैं हमेशा हुडेड आईज पे एक ब्राउन जरूर लगाती हूँ. इट एड्स दैट कॉन्टोर, वो आईज को शेप करता है, कॉन्टोर ऐड करता है, आईज एनहांस होती हैं और बड़ी लगती है, तो एक ब्राउन ऐड करना पड़ता है. एंड आज मैं करने वाली हूँ कट क्रीज. इवन दो मुझे कट क्रीज मेकअप अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए आज मैं क्रीज को कट करूँगी. आई एम गोइंग टू कट क्रीज एंड ये ब्रश कट क्रीज के बहुत अच्छा है, ब्यूटी रशेस का E13. एंड मैं आपको सबसे आसान तरीका कट क्रीज करने का सिखाऊंगी. मैंने सेम टू फेस्ड का कंसीलर लिया है जिससे लिप्स प्राइम किए थे. कंसीलर मैं उठा दी. ऑलवेज मेक श्योर आप कट क्रीज एक मैट कंसीलर से कीजिए, भले ही वो लिक्विड हो या क्रीम हो, लेकिन मैट होना चाहिए. एंड आई प्रेफर लिक्विड कट क्रीज के लिए. नाउ स्टार्ट फ्रॉम द इनर कॉर्नर, पैट ड्रैग, 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 पैट ड्रैग. ये कल करके याद रखिए, हर चीज में पंजाबी गाना डाल दीजिए, पैक्ट ड्रैग, पैक्ट ड्रैग, पैक्ट ड्रैग, पैक्ट ड्रैग, तो उसकी चीजें याद रहेंगी. जैसे KG1 में सिखाते हैं तो कट क्रीज कैसे करनी है, पैक्ट ड्रैग, पैक्ट ड्रैग. एंड अब मैं इसकी एजेस शार्प करूंगी. सी मेकअप, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. एंड अभी मैं आँखें पूरी नहीं खोलूंगी वरना ट्रांसफर कर जाएगा, अभी ऐसे ही रखूंगी, दूसरी आँखें भी कट जाती हूँ. कट क्रीज करने के बाद आप अपनी उंगली लीजिए एंड फिंगर से आउटर कॉर्नर को अंदर की तरफ बेंड कीजिए. अभी आउटर कॉर्नर की आप फिक्र मत कीजिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड में बहुत ही खूबसूरत लगेगा. ओके, सो जस्ट ब्लेंड द आउटर कॉर्नर.